मस्जिद मध्यरे महादेव ज्ञानबापी मस्जिद रे बंद बाबा वाराणसी कोर्ट को निर्देश रे हला सरजमीन तदंत कोर्ट नियुक्त कमिशन कले सर्वे हिंदू मुसलमान उभय पक्ष को उपस्थिति रे हला सर्वे समस्ते देखिले शिवलिंग मुस्लिम पक्षरु सुप्रीम कोर्ट रे प्रतिवाद परे आज आसी प्राथमिक सुनाणी परे निर्देश कोर्ट को निर्देश शिवलिंग मिलवा स्थान रहिबो सुरक्षित बंद हेबनी मुसलमान संप्रदायर धार्मिक रीतिनीति 19 तारीख मध्य उत्तर प्रदेश सरकार और हिंदू संगठन मध्य रखिबे सेमानक पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जिस जगह पे शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को डीएम को आदेशित किया है कि वो प्रिजर्व करे और वहां पर किसी तरह का घुसपैठ न होने पावे और जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि उस एरिया के अलावा मस्जिद के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं जब तक कि इस पिटीशन में जो प्लेंटिफ नहीं आते अपना पक्ष नहीं रखते तब तक के लिए व्यवस्था आज की गई है। लेकिन जो सबसे खुशी की बात है कि जिस एरिया को जिला कचहरी ने सील किया था जहां शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको सील करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज डीएम को आदेशित किया है। डीएम वाराणसी हिंदू भारत शताब्दी शताब्दी धरी सकहुन तातार और मोगल को द्वारा होई कबलित विशेष भाव में मोगल शासन और सम्राट औरंगजेब के समय हिंदू आस्था केन्द्र को भांगी मस्जिद निर्माण रही शह शह ऐतिहासिक प्रमाण राम जन्मभूमि आंदोलन समय स्लोगान थिला रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे ये तो पहला झांकी है मथुरा काशी बाकी है मात्र 1991 आईन अयोध्यार राम जन्मभूमि को छाड़ी 1947 पर सबू पूजास्थल स्थितावस्था संसद आईन प्रणयन कर मुसलमान पक्ष जुक्ति यही सर्वे 1991 आईन उल्लंघन करुछि मात्र हिंदू पक्षर जुक्ति पूजास्थली सुरक्षित रही स्थितावस्था बजाय रहिले ए सर्वे आईन रो उल्लंघन नुहे। तो पार्लियामेंट का इंटेंट क्या था एक्ट बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है और लोअर कोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ जा सकता है और कैसे ये सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता है, दूसरी साइड का वकील दौड़ता है और मुसलमान पक्ष नहीं रहता है वहां पर और कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि वो शिवलिंग है। ये सरासर 91 एक्ट का वायलेशन है जो उस मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को चेंज करता है। आज तो स्वयं भोले बाबा ने शंकर बाबा ने प्रकट होकर गर्जना कर दी है ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद नहीं था, मंदिर को तोड़कर ही वहां मस्जिद बनाने का प्रयास किया था और इसीलिए हिंदू समाज लगातार कह रहा था कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सैकड़ों मंदिर तोड़े हैं। हम भूल सकते हैं बाकियों को, केवल तीन हमको दे दीजिए, अयोध्या मथुरा काशी। और मैं समझता हूं आज के इस रहस्योद्घाटन के बाद जो सबूत सामने आए हैं उसके बाद अब ये रोक नहीं पाएंगे। दे कैन डिले बट दे कैन नॉट डिनाई। आईन एवं आस्था उभर लंबा लड़ाई यात्रा रे पुणी आउ एक लड़ाई मुहा हेउछि कि भारत जिन्ना को टू नेशन थ्योरी भारत को विभाजित करथिला मात्र भारत रे रहिथिमा मुसलमान देशर विकास रे होइछंती सठिक भाबरे शामिल। आईन रो विवाद लंबिबो ना आस्थार बहुमत जितिबो एबे सुप्रीम कोर्ट रे अनेक वादी और अनेक प्रतिवादी शिव मंदिर भांगी आक्रमणकारी करथिले कि ज्ञानवापी मस्जिद को लागी महादेवंक अनन्य भक्त महाराणी अहल्याबाई होलकर करथिले आजिर काशी विश्वनाथ मंदिर प्रतिष्ठा। आस्था आईन आधार रे जितिबो ना लड़ाई लंबा हेबो एहा उपरे समस्तक नजर। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।